गर्मी में किस तरह एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई पंखे का इंतज़ाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो खुद लोग तो एसीयू में बैठे हैं, बड़े बड़े पंखे लगा के, एसी लगा के, जो बैंक मुलाजमीन है। लेकिन इन गरीबों के लिए मैंने पूछा कि आपको पंखा नहीं दिया, वो कह रहा है इनके पास पैसे नहीं। वो कह रहे हैं हमारे पास तो खर्चा नहीं है पंखा देने के लिए। यार क्या है, ये इंसानियत ख़त्म हो गई है, पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग उर्दू में बना रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी वजह है उर्दू में बनाने की। तो अक्सर आप लोग भी अगर शहर से हैं तो आप लोगों को भी पता होगा कि आप लोग बैंक भी जाते होंगे, जब बैंक जाते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे कि कोई आज का जो मुद्दा बयान कर लूँगा इस पर आपने गौर करना है और मेरी बात पूरी सुननी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल वीडियो पूरी देखनी है। मसला ये है कि आज बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने जो है, मैंने जो एक बहुत बड़ा नुकता उठाया है वो हम सब के लिए है, वो हम सब के लिए है, वो भी मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। क्या यार, ये जो आप बैंकों के बाहर खड़े होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड आपने देखे होंगे, क्या उनका कोई बहन भाई नहीं है? उनके क्या उनके बहन भाई नहीं होते, माँ बाप नहीं होते क्या उनके? या वो घर से धकेले हुए तो है नहीं? मैंने देखा है, आज मैं शहर गया हूँ, पहले भी जाता हूँ लेकिन आज गया हूँ तो मैंने देखा है। मुझे बहुत अफसोस हुआ है, मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है मुझे कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं बैंक के बाहर होते हैं, वो जहाँ खड़े होते हैं वहाँ तो ना सही तरह हवा होती है और ना ही वहाँ पर कोई पंखे का इंतज़ाम है और ना ही वहाँ पर वो जो शेड वगैरह की शीट वगैरह लगी होती है, कुछ भी नहीं है। बेचारे गर्मी में खड़े होते हैं। मैं ATM यूज़ करने गया तो मैंने देखा है, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनसे बात की, क्या आपको पंखा वगैरह लगा के उन लोगों ने नहीं दिया? वो कहते जी नहीं। तो मैंने कहा वो खुद तो AC में बैठे हुए हैं अंदर जो हैं बैंक मुलाजमीन, क्या वो सिक्योरिटी गार्ड इंसान नहीं है? इंसानियत भी होती है यार लोगों में, क्या वो मैं आपके सामने एक वीडियो चला रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, वो बैंक के बाहर जो मुलाजिम आपको खड़ा नज़र आ रहा है सिक्योरिटी, वो भी हमारी तरह इंसान है, खाता है पीता है, उसे भी गर्मी लगती है। अगर ज़्यादा सर्दी हो तो वो सर्दियों में भी बैंक के बाहर खड़ा होता है, ना वो हीटर का इंतज़ाम होता है, ना उसे कोई अच्छे मुनासिब कपड़े दिए होते हैं। और गर्मी है तो गर्मी में भी उनको इतनी मोटी शर्टें और जो पैंट वगैरह पहनाई होती है, क्या वो इंसान ही है? क्या उन लोगों को गर्मी नहीं लगती? वीडियो आपके सामने चल रही है, देख लें गर्मी में किस तरह एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई पंखे का इंतज़ाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो खुद लोग तो एसीयू में बैठे हैं, बड़े बड़े पंखे लगा के, एसी लगा के, जो बैंक मुलाजमीन है। लेकिन इन गरीबों के लिए मैंने पूछा कि आपको पंखा नहीं दिया? वो कह रहा है इनके पास पैसे नहीं। वो कह रहे हैं हमारे पास तो खर्चा नहीं है पंखा देने के लिए। यार क्या है, ये इंसानियत ख़त्म हो गई है, पता नहीं क्या मुल्क किस तरफ जा रहा है। इतने AC और पंखे लगे हुए हैं बैंकों के अंदर और गरीब के लिए एक पेडिस्टल फ़ैन या कोई फर्शी पंखा वगैरह तक नहीं वो दे रहे, वो गर्मी में खड़े हैं। मैंने उनसे कहा कि आप कैमरे पे बात करें, उन्होंने कैमरे पे बात करने से जो आपकी बात को रिकॉर्ड करना कैमरे में, तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। कहते हैं सर हमारा जो है नौकरी का मसला है। वो फिर लोग कहते हैं आप मीडिया वालों को क्यों बयान देते हैं, इन लोगों को क्यों बयान देते हैं? तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं तो इस वक्त छाँव में बैठा हूँ, दरख्तों की छाँव में, आपको पीछे खजूरें भी नज़र आ रही होंगी, ऊपर भी शीशे मटाली के दरख्त हैं, शतूत है, वहाँ पर बैठा हूँ, माहौल है, हवा चल रही है। लेकिन शहर में ऐसा कुछ माहौल नहीं होता, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इस वक्त जो मैं बैंक के सामने खड़ा था, कम अज़ कम 46 पे दर्जा रहा था, 45-46 पे, तो वहाँ पे कोई फ़ैन नहीं था, कोई कूलर नहीं पानी के लिए पड़ा हुआ था। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यार ये भी इंसान है हमारी तरह, इंसानियत इनके अंदर भी है, इनको भी गर्मी लगती है। एक तो जो इनको जो वर्दी दी हुई है, यूनिफॉर्म दी हुआ है, इतना मोटा यूनिफॉर्म है बेचारे, जो सर्दियों में लोग पहनते हैं वो वाला यूनिफॉर्म है, उन वो बेचारे पसीने से लथपथ हुए खड़े थे। यार वो इंसान है क्या, उनको गर्मी नहीं लगती? ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो हमारे बैंक मुलाजमीन अगर देख रहे हैं, बैंक मैनेजर देख रहे हैं, जो ऑनर्स हैं, अगर उन तक ये वीडियो जा रही है तो प्लीज़ यार आप लोग इस तरह क्यों नहीं करते हैं? इनको गर्मियों की अलहदा यूनिफॉर्म लेके दें, सर्दियों की अलहदा लेके दें। सर्दियों में भी वही यूनिफॉर्म चल रही है, गर्म इतना मोटा स्टाफ कपड़ा है, आप देख के हैरान रह जाएंगे। अगर आपका कभी बैंक में जाना हो तो देखिएगा, जो सिक्योरिटी गार्डों ने यूनिफॉर्म पहनी होती है, बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े हैं। और दूसरे ऊपर से उनको ना कोई पंखा लगा के दे, बेचारे बैर खड़े हैं धूप में, ना कोई ऊपर शीट है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, बेचारे खड़े होते हैं हमारी हिफाजत के लिए, उनको जान प्यारी नहीं, उनको गर्मी सर्दी नहीं लगती यार, तो सोचना चाहिए। तो जो मुखैर हजरात हैं उन लोगों से अपील है कि आप लोग इनकी जो हेल्प क्या करें, इनको यूनिफॉर्म वगैरह दें। अगर कुछ और मुखैर लोग हैं तो वो इनको चाहिए कि इनको कोई पेडिस्टल फैन या कोई जो फर्शी वाला पंखा होता है वो लेके दें, ताकि गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, सर से लेकर पाँव तक उनको जो है ना पसीने ही पसीने से शराबूर होते हैं। तो मेरी आला एकाम से जो है अपील है, लोगों से अपील है कि प्लीज़ सिक्योरिटी गार्ड भी हमारे भाई हैं, उनका ख्याल रखना आप लोगों का फ़र्ज़ है। वो इतनी गर्मी में खड़े होते हैं, उनका भी हक बनता है कि उनको भी ठंडा पानी चाहिए, उनको भी ठंडी हवा चाहिए। अगर ठंडी नहीं तो चलो पंखे की जो भी हवा है गर्म में, चलो पसीने तो खुश्क हो ना,
तो बैंक वाले भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग इनको याद रखें, इनको जो है कोई फैन वगैरह या उनके जो बैर खड़े थे दरवाजे पे वहाँ भी लगा के रख देना चाहिए, वो ज़्यादा गर्मी जो है बर्दाश्त कर सकें। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग शेयर करेंगे, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।